अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वॉल्यूम कंट्रोल पे है और गिट की बेसिक कमांड पे। वॉल्यूम कंट्रोल क्या होता है? वॉल्यूम कंट्रोल का आपने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वॉल्यूम कंट्रोल ये होता है कि जब हम किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो हम उसके डिफरेंट चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं। वॉल्यूम कंट्रोल के बहुत सारे फ़ायदे हैं। वॉल्यूम कंट्रोल में हम, जिस तरह मैंने भी बताया कि एक प्रोजेक्ट है उसके अंदर हम जितने भी चेंजेस कर रहे हैं हम उनको ट्रैक कर सकते हैं। हम अपने पिछले चेंजेस पे वापस जा सकते हैं। सपोज़ एक कोड है, उसे मैंने कुछ नया ऐड किया, अब मैं चाह रहा हूँ कि वो वर्किंग नहीं किया किसी वजह से, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं पिछले कोड पे वापस जाना चाह रहा हूँ, तो वर्जन कंट्रोल के ज़रिए मैं ये कर सकता हूँ। फिर इसका दूसरा फ़ायदा ये कि हम इसको डिफरेंट पीपल के दरमियान कोलैबोरेट कर सकते हैं। लाइक मेरे साथ एक टीम काम कर रही है सॉफ्टवेयर हाउस में, लाइक 4 से 5 लोगों की टीम है या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो अब एक प्रोजेक्ट को 4 से 5 लोग एक सिंपल वे में एक अपने पास यूज़ कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ वॉल्यूम कंट्रोल, कि जो कोड मेरे पास है वो कोड 7 वाले के पास भी होगा, टीम के पास। तो इसका बहुत सारा फ़ायदा है, आप इसको सीख लें तो ये एक आपके लिए एक्स्ट्रा स्किल है। और बहुत से लोग इसमें सीख नहीं पाते, और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट तौर पे, मतलब ये लोग समझते हैं, ये बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है। और हम लोग इसको इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल से और बिल्कुल बेसिक नॉलेज से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि हम लोग गिट के अंदर क्या क्या कर सकते हैं। वॉल्यूम कंट्रोल का इंट्रोडक्शन मैंने पहले दे दिया। वॉल्यूम कंट्रोल के डिफरेंट हम लोग गिट हब यूज़ करते हैं, बिट बकेट भी यूज़ कर सकते हैं, और भी बंच ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं। तो यहाँ पर हम लोग गिट के बेसिक्स को देखते हैं कि गिट के अंदर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग अपने कोड के जितने भी चेंजेस हम लोग करते हैं वो ट्रैक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक लाइन ऐड की, लाइन रिमूव की, तो लाइन ऐड की, रिमूव की, हम मतलब कि हम जो जो भी चेंजेस करेंगे हम लोग गिट हब के अंदर ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। देन हम लोग, हमारा जो कोड होता है वो डिफरेंट कंप्यूटर के दरमियान सिंक्रोनाइज हो रहा है। मिसाल के तौर पर क्योंकि एक कोड है जो हम लोगों ने एक रिपोजिटरी पर रखा हुआ है, अब वो कोड मेरे कंप्यूटर में भी सेम रहेगा और जो मेरा टीम पार्टनर है उसके कंप्यूटर में भी सेम रहेगा। तो ये हम लोग गिट हब के अंदर कर सकते हैं, गिट के अंदर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर भी यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, हम अभी प्रैक्टिकल देखते हैं इसे सारा। टेस्ट चेंजेस कोड बगैर हम लोग अपने कोड को टेस्ट कर सकते हैं ओरिजिनल को लूज़ किए बगैर, मतलब कि मैंने कुछ न्यू फंक्शनैलिटी ऐड की, अब मैं चाह रहा हूँ कि वो वर्किंग कर रही है कि नहीं, तो मैं उसको टेस्ट कर सकता हूँ अपने पिछले वर्जन को लूज़ किए बगैर। मतलब कि अगर वो काम नहीं करेगी तो मैं फिर अपने पिछले वर्जन पर वापस आ जाऊँगा, जिस तरह से यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया। स्टार्ट करते हैं गिट हब को। गिट हब के लिए मैं, क्योंकि अभी ब्राउज़र भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो गूगल ओपन कर लिया है। गूगल ओपन करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिट हब। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप पहले अकाउंट बना लें। तो मैं यहाँ पे अभी, यहाँ पे अकाउंट नहीं बना हुआ था, यहाँ पे अकाउंट बना कर दिखा लेगा। डेवलपर अकेडमी के नाम से अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है। नाम आपने कुछ भी रखना है, नाम ऐसा रखना है जो पहले चूज ना किया गया हो। यहाँ पे ईमेल देता हूँ 114@gmail.com और पासवर्ड में दे देता हूँ। पासवर्ड में यहाँ पर देखता हूँ, पासवर्ड आपने इस रूल के मुताबिक देना है, नंबर भी हो, लोअर केस लेटर भी हो। अच्छा, मैं इसे सेव करता हूँ और ये सेव हो गया। अब ये मेरा अकाउंट क्रिएट हो रहा है, अब मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे जीमेल ओपन करता हूँ वेरिफिकेशन के लिए। अभी जब तक मैं वेरीफाई नहीं करूँगा ये अकाउंट यहाँ पर नहीं रहेगा। अच्छा, पजल यहाँ पे सॉल्व करनी है, गैलेक्सी, तो ठीक है, ये अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से पूछेगा कि आप क्या हो, स्टूडेंट हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, और व्हाट डू यू प्लान टू डू गिटहब। ठीक है, अभी आप कुछ भी इसके अंदर कर सकते हैं, वैसे भी आप छोड़ सकते हैं।
अब यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आएगा मेरे, यहाँ पे मैं फिर रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आएगा। वेरिफिकेशन कोड वेरीफाई ईमेल के लिए मुझे ये ईमेल गलत लगी हुई है यहाँ पे, तो इसे पहले मुझे चेंज करना पड़ेगा। ये गर्ल्स वैली भी लिखा गया है तो अब उसके लिए मुझे करना पड़ेगा, इसे चेंज करना पड़ेगा। तो ईमेल सेटिंग में जाके वैसे करता हूँ, न्यू बना लेता हूँ, ठीक है। गिटहब पे ही आता हूँ, न्यू अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ उस यहाँ पे, एड ईमेल एड्रेस के लिए इसी में करता हूँ डेवलपर, अपने बड़े ध्यान से करना होता है, डिवेलपर अकेडमी 114@gmail.com। इसे मैंने ऐड कर दिया और डिवेलपर अकेडमी की, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ, तो यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो ये ईमेल होगी वेरीफाई। अच्छा, अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ रहा होगा। जब आप अपना अकाउंट जनरेट कर लेंगे तो आपने सबसे पहले क्रिएट ए रिपोजिटरी पे क्लिक करना है। रिपोजिटरी क्या होती है? रिपोजिटरी इज़ लाइक वो प्लेस जहाँ पे आपका सारा कोड पड़ा होगा, वो रिपोजिटरी होगी। तो मैं यहाँ पे अभी रिपोजिटरी का नाम दे रहा हूँ एग्जाम्पल, ठीक है, और पब्लिक रख रहा हूँ। अब पब्लिक में ये होगा कि आपकी रिपोजिटरी सब देख सकेंगे, लेकिन कोड कोई भी एडिट नहीं कर सकता, कोड सिर्फ आप ही एडिट कर सकते हो। क्रिएट रिपोजिटरी कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हो। अच्छा, ये कुछ कमांड इस तरह से आपके शो हो रही होंगी। अब अपने सिस्टम के साथ रिपोजिटरी को लिंक करने के दो मेथड है, एक तो HTTPS को है और एक SSH को है। HTTPS वाला मेथड जो है वो मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं, SSH को भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। इसके और भी डिफरेंट मेथड हैं, अभी के लिए सिर्फ आपने इसे कॉपी कर लेना है यहाँ से। और लाइक मैंने अभी अपने यहाँ पर मैं करता हूँ, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर लिंक करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ, लर्निंग इट, और उसके अंदर मैं यहाँ पे अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा सिस्टम है वो मेरी रिपोजिटरी के साथ लिंक हो जाए। उसके लिए मुझे सिंपल करना पड़ेगा गिट। अच्छा, आपको ये गिट को डाउनलोड भी करना पड़ेगा, गिट बैश को। गिट बैश को आप इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं गिट बैश को। अगर आप विंडोज़ के हैं तो विंडोज़ को कर लें, अगर आप मैक जो भी आप लोग यूज़ करें, लिनक्स यूज़ करें, तो आप यहाँ से इजीली डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आपको इस तरह से ऑप्शन शो होगी, गिट बैश भी आए। अब मैं यहाँ पे कमांड देता हूँ, सबसे पहली कमांड है, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ अपनी स्लाइड्स में, तो सबसे पहली कमांड है गिट क्लोन की। गिट क्लोन का मतलब क्या है कि जो हमारी रिपोजिटरी सर्वर पे हम लोग उसे लिंक करना चाह रहे हैं अपनी सिस्टम के साथ, तो गिट क्लोन और URL, इसके लिए हम लोग URL को यूज़ करेंगे। तो URL मीन जो भी मैंने यहाँ पे देखा था, ये जो है ये हमारा URL है, मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे कमांड देने लगा हूँ गिट क्लोन की। अब जैसे ही मैं ऐसे कर रहा हूँ तो ये मेरा सिस्टम जो है वो यहाँ पे लिंक हो चुका है, और अभी इसने वार्निंग दी है कि एम्प्टी रिपोजिटरी, क्योंकि हमारे पास जो अभी रिपोजिटरी है उसमें भी कुछ भी नहीं है, ठीक है, अभी एम्प्टी है, तो उसने हमें एम्प्टी की। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कुछ फाइल जनरेट करता हूँ। फाइल जनरेट करने के लिए मैं लिखता हूँ टच इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और इसे मैं एडिटर में ओपन कर लेता हूँ, कोड वी एस कोड में। आप कोई भी फाइल C++ की फाइल बना सकते हैं, कोई भी जो आप जिस पे आप वर्किंग कर रहे हो, इस तरह से ओपन हो जाएगा सिंपल। ये फोल्डर एग्जाम्पल होगी। अब मैं यहाँ पे कुछ कोड लिखता हूँ, HTML, HTML language equal to English, tag
और यहाँ पे मैं देता हूँ टाइटल और मेटा टैग यूटी एफिलिएट, और यहाँ पे देता हूँ बॉडी फिटअप गिटअप, ठीक है गिटअप पे आ गया। अब यहाँ पे मैं इसे सेव करता हूँ और अभी मैं नेक्स्ट कमांड पे आपको, ये गिट क्लोन हम लोगों ने कर लिया। अब गिट ऐड होती है, मतलब कि मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरी फाइल है ये ऐड हो जाए, ठीक है। इसके लिए सिंपल मैं अपने यहाँ पे आऊँगा कमांड लाइन इंटरफेस पे, इसे क्लियर कर रहा हूँ। आप देखने गिट ऐड डॉट होता है आपके रिपोजिटरी में, आपके फोल्डर में, लाइक 10 फाइल में, अगर आप सारी फाइल में एडिटिंग आपने की और आप चाहेंगे कि सारी फाइल ऐड हो जाए तो गिट ऐड डॉट, अगर आप सिंपल एक फाइल चाह रहे हैं तो आप सिंपल गिट इंडेक्स डॉट एच टी हो, ये एक फाइल को ऐड करेगा और गिट ऐड डॉट सब फाइल को। मैं इसे गिट ऐड डॉट करके ले जाता हूँ, दैट लोड गिव्स रिपोजिटरी फॉर एनी ऑफ द पेरेंट डायरेक्टरी टू, ठीक है। अच्छा अब ये आ रहा है कि नोट ए गिट रिपोजिटरी, और ठीक है अभी हम लोगों ने को जो हमारी रिपोजिटरी है वो इनिशलाइज नहीं की हुई, ये देखें गिट इनिट, तो जब तक ये नहीं करेंगे तब तक वो इस तरह से एरर देगा। तो मैं अभी गिट इनिट इनिशलाइज कर लूँ, अगर अब मैं गिट ऐड इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की कमांड दूँगा तो वो चेक करें ये एक फाइल के लिए, और ये अगर मैं ये वाली कमांड, आपकी जितनी भी फाइल्स बड़ी होंगी वो अभी तो मतलब वो ऐड हम लोगों ने करती है, जैसे एरर आ रहा है। मैं इसको क्लियर करता हूँ और क्लियर करने के बाद मैं इसको दोबारा हम लोग अब आते हैं, हम लोगों ने अभी ऐड किया है, ठीक है अगली कमांड में। अब ऐड की कमांड ने किया कि मेरी जो फाइल जो है वो उसने अभी लोकल सिस्टम में, मतलब कि ऐड लोकल सिस्टम में है लेकिन अभी ऐड कर दिया गिट के साथ, अभी गिट तक नहीं पहुंची। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ अपने ब्राउज़र पे और रीलोड करूँ तो अभी यहाँ पे एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं दोबारा यहाँ पे जा रहा हूँ, गिट ऐड फाइल नेम में मैंने बताया था कि गिट ऐड फाइल नेम में क्या है। अच्छा गिट कमिट, कमिट की कमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी आप गिट पे काम कर रहे होंगे तो आपको कमिट की कमांड लाजमी यूज़ करनी पड़ेगी कोड को पुश करने के लिए। अभी पुश पे मैं आता हूँ, कमिट में हम लोग क्या करेंगे कि लाइक मैंने एक काम किया, अब उस काम को मैं बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से मैंने अभी HTML का कोड लिखा, या अगर आप एक टीम में काम कर रहे हैं तो आपने कुछ कोड किया तो आप उसके बारे में बताना चाह रहे हैं, तो वो कमिट की कमांड के अंदर हम लोग बताते हैं। इसका सिंटैक्स होता है गिट कमिट स्लैश एम और आगे मैसेज, ठीक है। तो मैं मैसेज पे आ रहा हूँ, गिट कमिट एम, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि ऐड HTML फाइल, ठीक है। अब ऐड अभी भी मैं अगर अपने रिपोजिटरी पे जाऊँ तो अभी भी वहाँ पे ये नहीं है, जब तक मैं पुश नहीं करूँगा, पुश की कमांड यूज़ नहीं करूँगा तब तक मेरा कोड यहाँ पे नहीं आएगा। मैं अगर दोबारा स्लाइड्स पे आता हूँ तो ये मेरा अब कमिट के, कमिट हमारी जो भी हम लोग कोड पुश करेंगे उसको आइडेंटिफाई करेगा कि हम लोग क्या किया हुआ। इसके बाद कमांड है गिट स्टेटस की, तो गिट स्टेटस की कमांड के अंदर हमें ये पता चलता है कि हम लोग इस टाइम कौन सी ब्रांच पे हैं। तो अभी हम बाय डिफॉल्ट मास्टर ब्रांच पे, मास्टर ब्रांच आ रहा है, ठीक है क्लियर कर दूँ। और उसके बाद आगे अगली कमांड पे चलते हैं, गिट पुश। गिट पुश की कमांड बड़ी अहम है, आपके सिस्टम में जो कोड पड़ा हुआ है आप उसे रिपोजिटरी पे पहुंचाना चाह रहे हो तो आपको गिट पुश की कमांड यूज करनी पड़ेगी। लाइक अभी तक मैं अगर रिपोजिटरी को रीलोड करके दिखाऊं तो अभी कुछ भी नहीं, नथिंग। अब जैसे ही मैं गिट पुश की कमांड दूंगा तो अभी उसने कह दिया कि अभी हमें रिमोट ऐड करना पड़ेगा, मतलब कि अभी उसे नहीं पता कि इसने कहाँ पे इसे लेके जाना है। तो उसके लिए सिंपल आपने ये लाइन कॉपी कर लेनी, गिट रिमोट ऐड अगर अब मैं गिट पुश की कमांड दूंगा तो अभी भी एरर देगा क्योंकि अभी ये वाली
मैंने अपस्ट्रीम पे मास्टर भी करनी है, तो ये कमांड कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो अब मेरे बाय डिफ़ॉल्ट कोड मास्टर ब्रांच पे जा रहा है क्योंकि अभी मेरे पास वही है। अब जब आपका न्यू अकाउंट होता है तो वो आपसे एक दफ़ा लाजमी पूछेगा, तो आप लिख लें साइन इन विथ योर ब्राउज़र। अच्छा मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऐप्स में चेंज कर रहा हूँ ब्राउज़र को, क्योंकि मैं भी फायरफॉक्स यूज़ कर रहा हूँ और मेरा डिफ़ॉल्ट गूगल क्रोम है। तो अब मैं यहाँ पे इसे कहता हूँ ठीक है साइन वीडियो पर। तो अब इसे ऑथराइज कर लें आप ब्राउज़र पे आके, और जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा ये देखें। ठीक है, अब जैसे ही मैं रिपोजिटरी पे वापस जाऊँगा और इसे रीलोड करूँगा तो जो कोड मैंने वहाँ पे किया था ये index.html की फाइल आ गई। और अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो जो कोड मैंने वहाँ पे किया था अब ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये अभी हम लोगों ने कोड क्या किया कि अपने लोकल सिस्टम से रिमोट सर्वर पे पुश कर दिया। नेक्स्ट अगली कमांड को देखते हैं। गिट पुश को मैंने तय किया, हमारा जो कोड लोकल सिस्टम से पड़ा था वो हम लोग रिमोट सर्वर पे ले गए। अब अगली कमांड है गिट पुल। गिट पुल कब कमांड यूज होगी? जब रिमोट सर्वर से कुछ एडिंग हुई और अब हम अपने सिस्टम में लाना चाह रहे हैं। गिट पुश जब रिमोट सर्वर अपने लोकल सिस्टम से रिमोट पे गए। गिट पुश और गिट पुल कब होगा? जब हम लोग रिमोट सर्वर से लोकल सिस्टम पे लेके आएंगे। तो मैं अभी यहाँ पे कुछ, क्योंकि अभी मेरे पास अकेला ही हूँ तो कोई इसमें खुद ही मुझे एडिट करना पड़ेगा। तो जब आप टीम में काम कर रहे होते हैं तो आपको ये कोड एडिट होकर मिलता है। लाइक अब मैं यहाँ पे H2 ऐड करता हूँ। ठीक है, ये मैं यहाँ पे कमिट देता हूँ एट सेकंड एट लाइन। और इसे मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पे ये सेव हो जाएगी। और अब मैं यहाँ पे आके गिट पुल की कमांड देने वाला हूँ। अब यहाँ पे आ रहा है कि एक माइनस और दो इंसर्शन। अगर मैं अपने को एडिटर में जाता हूँ तो यहाँ पे ये गिट इजी आ चुका है। ठीक है, तो ये गिट पुल की कमांड है जो हमने कोड फेच किया अपने रिमोट से लोकल ब्राउजर में, लोकल कंप्यूटर में। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है यहाँ। अब हम पढ़ने वाले हैं मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में। तो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर क्या होता है कि लाइक मेरे रिमोट सर्वर पे कुछ चेंजेस हुई और उसी लाइक मैंने एक लाइन नंबर 10 में मेरे रिमोट पे कुछ चेंजेस की और लाइन नंबर 10 में मैंने लोकल कंप्यूटर से भी चेंजेस की, तो अब क्या आएगा? कंफ्लिक्ट आएगा। अब रिपोजिटरी कंफ्यूज हो जाएगी कि हम लोग ये कोड कहाँ पे रखें, क्या हम लोग रिमोट वाला एक्सेप्ट करें, क्या हम लोग लोकल कंप्यूटर वाला एक्सेप्ट करें। जब भी आप एक लाइन पे दोनों तरफ से चेंजेस करोगे तो वहाँ पे कंफ्लिक्ट जनरेट होगा। तो कंफ्लिक्ट को कैसे रिजोल्व करते हैं? जब हमें कंफ्लिक्ट आता है तो इस तरह का मैसेज हमें अपीयर होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजोल्व करते हैं। मैं अभी आपको अगर रिपोजिटरी पे दिखाऊं तो मेरे पास कुछ कोड होगा यहाँ पे रिपोजिटरी पे, ये अभी मेरे पास रिपोजिटरी पे ये कोड है। और अगर मैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे दिखाऊं तो मेरे टेक्स्ट एडिटर पे और रिपोजिटरी पे अभी मेरे पास सेम कोड है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाई आई एम डेव। ठीक है, सेव किया मैंने और इससे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ एग्जाम्पल वाली फाइल यहाँ पे एडिट करता हूँ आई एम प्रोग्रामर। ठीक है, अब मैं इसे सेव करता हूँ एड सम डाटा। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। मैं इन चेंजेस को कमिट कर रहा हूँ और अब यहाँ से कमिट हो चुके हैं। अब मैं जाता हूँ अपने इस वाले एडिटर पे और यहाँ पे ये यह ओपन कर लेता हूँ। अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे गिट ऐड की कमांड देता हूँ।
ठीक है, गिट कमिट की कमांड देता हूँ। एड इन पैराग्राफ पी, ठीक है, और अब मैं गिट पुश की कमांड देता हूँ। अब यहाँ पे वो कहेगा कि आप सबसे पहले ऐसे पुल को यूज़ करें, देन तो मैं अगर गिट पुल की कमांड को यूज़ करता हूँ यहाँ पे, तो अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आएगा। ये देखिए, ऑटो मर्जिंग इंडेक्स कॉन्फ्लिक्ट, ऑटोमेटिक मर्ज फील्ड, फिक्स कॉन्फ्लिक्ट, देन कमिट दर्जन, जिस तरह से मैंने आपको स्लाइड में दिखाया था। अच्छा, अब ये मेरे पास कॉन्फ्लिक्ट आ चुका हुआ है। अगर मैं स्लाइड पे दिखाऊँ तो स्लाइड पे भी सेम ऐसे ही है। ये मैसेज मैंने आपको दिखाया था, अब यही मैसेज हमें कमांड लाइन में है। और इस तरह का इंटरफेस जिस तरह से हमें नज़र आ रहा है, इस तरह का इंटरफेस हमें यहाँ पर नज़र आएगा। अब वो पूछ रहा है कि करंट चेंजेस को एक्सेप्ट करना है, इन चेंजेस को करना है या वो को कंपेयर करना है। तो मैं इस टाइम यहाँ पे प्रोग्रामर वाले चेंजेस को कर रहा हूँ, तो मैं एक्सेप्ट करूँगा तो वो यहाँ पर हो जाएगा। अब ये क्लियर हो चुका है। अब मैं एक और लाइन ऐड करता हूँ, पी मर्ज कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, सेव करता हूँ। दोबारा गिट ऐड की कमांड देनी पड़ेगी, दोबारा गिट कमिट की कमांड देनी, और उसके बाद गिट पुश करूँगा तो अब ये हो जाएगा। और अगर मैं रीलोड करके अपनी उस रिपोजिटरी पे जाऊँगा, तो रिपोजिटरी पे अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा जो भी हमने काम किया है, गिट मर्ज कॉन्फ्लिक्ट, तो ये भी हो चुका है। तो अभी तक हम लोगों ने मर्ज कॉन्फ्लिक्ट को भी देख लिया है और कुछ बेसिक कमांड्स को भी देख लिया है। मुझे पता है कि थोड़ा सा लेक्चर लेंथी हो गया है, लेकिन ये आप एक दफ़ा सीख लें बेसिक, इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग एडवांस में फिर बाद में वीडियो बनाएंगे। अच्छा, इसके बाद एक कमांड आती है गिट लॉग की। गिट लॉग के अंदर आपको पता चलता है किस बंदे ने कब कब कमिट की। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ अपने और इसे मैं क्लियर करता हूँ, और यहाँ पर गिट लॉग की कमांड, तो जितनी भी रिकॉर्ड होगा, इस टाइम पे मैंने ये कमिट की, इस टाइम पे ये कमिट की, अब लास्ट कमिट थी मेरी ये वाली एड इन पी वाली, तो ये आ रही है, और ये टाइम आ रहा है 10:56 और अभी टाइम 10:57। तो हमें सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा गिट लॉग की कमांड से कि हम लोगों ने कब कब कमिट किए और कब कब चेंज किए। देन हमारे पास आगे आती है गिट रीसेट की कमांड। गिट रीसेट की कमांड पे लाइक अगर मैं किसी पिछली कमिट पे वापस जाना चाहता हूँ, तो गिट रीसेट हार्ड करके मैं अपनी पिछली कमिट पे वापस जा सकता हूँ। और अगर मैं अपनी ब्रांच पे वापस जाना चाह रहा हूँ, तो इस तरह से मैं गिट रीसेट हार्ड करके अपनी ब्रांच पे भी वापस जा सकता हूँ। तो ये लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा, मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो चुका है। हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, नेक्स्ट अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट आई, तो उसको एडवांस लेवल पे सीखेंगे कि हम लोग ब्रांचेस को किस तरह से कंट्रोल करते हैं और हम लोग किस तरह से गिट को यूज़ करते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा ताकि आपका रिस्पॉन्स आता रहे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।